नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। एआरआई न्यूज बिहार पंचायत चुनाव पर खास प्रोग्राम दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे गोपालगंज जिले की जमसड़ पंचायत, जहां से ऊषा देवी भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। ऊषा देवी का कहना है कि अगर पंचायत के लोगों ने उन्हें मुखिया चुना तो वो पंचायत के विकास के लिए जी जान लगा देंगी। नमस्कार, मैं हूं रूपेश कुमार, एआरआई न्यूज में स्वागत है आपका। आज हम गोपालगंज जिला का प्रखंड ऊंचका गांव पंचायत जमसड़ में पहुंचे हुए हैं। यहां पे भावी मुखिया प्रत्याशी ऊषा देवी के पास चुनाव लड़ने की क्या उद्देश्य है? चुनाव लड़ने का हमारा बहुत शौक है कि हम गरीबों के आ गरीब अमीर सब के एक समान हमारा देखना है। हमारा इतना श्रद्धा है कि हमारा कुछ के लालच नहीं है, हमारा इतने लालच है जो हम जीत जाएंगे तो हम अपना माता बहनों के साथ में लेके हम खुशी मनाएंगे। जो हमारा संग में मेहनत करते हैं लोग, इससे हम बहुत खुश होने के चाहते हैं। ये हमारा श्रद्धा है। अभी नीतीश कुमार आपके पंचायत में जल नल के काम कराए हैं, आपके पंचायत में किस तरह का हुआ है? जल नल तो ठीक है, बाकी का हरजा में महाला में मुखिया है वो एगो बॉल नहीं लगा है। देखो ना मेरा सड़क देखो, गांव में कैसा है। ये हम लोग के कमी है। हमारा श्रद्धा है कि हम जीतेंगे तो हम सबके दरवाजा पर हम जाएंगे। यहाँ पे ऊषा देवी भावी मुखिया प्रत्याशी पति जी मौजूद हैं, इनसे हम परिचय जाना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। राम इकबाल राम। चुनाव लड़ने की क्या उद्देश्य है? चुनाव लड़ने की जनता को सेवा करने का उद्देश्य है। जी। आपके पंचायत में नीतीश कुमार नल जल योजना के काम करें, किस तरह से हुआ है? नल जल का काम सही हुआ है। जी। रोड का काम थोड़ा बाकी है, काम नहीं हो पाया है। जी। पूरे मोहल्ला का जो हरजन बस्ती में ही नहीं बन पाया है। जी। पूरे जनता सब है, उससे भी पूछ सकते हैं। जी। क्या आपके पंचायत में वृद्धा पेंशन की क्या स्थिति है? वृद्धा पेंशन की स्थिति अभी बहुत नाजुक है, अभी किसी को मिला है किसी को नहीं मिला है, किसी को पास नहीं हुआ है। जी। आपके इंदिरा आवास की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? इंदिरा आवास वही मिल नहीं रहा है किसी को, अभी इंदिरा आवास किसी को बनाई नहीं है, 5 साल के अंदर में किसी को नहीं मिला। जी। किस तरह के काम करने का आपका तरीका होगा आपकी पंचायत में? आप जीत जाएंगे तो पूरा गरीबों को जैसा जो होगा उसके घर तक में पहुंच सकते हैं। जी। जो गरीब आएगा उसको हम घर से दरवाजे से वापस नहीं जाने देंगे। जी। जो भी उसका समस्या होगा जी उसका पूरा करेंगे। जी। यही है, मैंने एक एक समस्या का पूरा निदान करने का काम करेंगे। जी। क्या कोरोना जैसा महामारी बीमारी में जनता गरीब मजदूर को किस तरह से अपने सलाह देने का काम किया है? सलाह देने का क्या, जो भी गरीब है वो कोरोना से बाहर घर से ना निकले। जी। साबुन से हाथ धोए। जी। मास्क बराबर लगाए रखें। जी। दूरी बनाकर आदमी 2 गज की दूरी बनाकर रखे। जी। यहाँ शौचालय की व्यवस्था कैसे है आपके पंचायत में? शौचालय का पैसा हमें पंचायत में शौचालय का कोई है ही नहीं। जी। कहीं आप जीतेंगे तो पूरा शौचालय बनाने का प्रयास करेंगे, पूरा गांव में बनवाएंगे शौचालय। जी। जहाँ नहीं बना है वहाँ बनवाएंगे। जनता का आवाज लेना चाहेंगे, मेरे सामने यहाँ उपस्थित है। अपना नाम बताएं। राजू कुमार है। राजू जी, आपके अभी नीतीश कुमार जल नल योजना के काम हुआ है, पानी समय से पहुंचता है? जी, पानी समय से पहुंचता है। जी। जो सही काम हुआ है जल नल योजना में। जी। उसे खुश है सारी जनता जो गांव की है। जी। सब ठीक है, बस रोड की समस्या है वो जी। पूरी नहीं हुई है काफी टाइम से। जी। देखने को है कि मतलब बना ही नहीं है। ये अभी रोड नहीं हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये नहीं हुआ, ये कमी है। जी। जो पीछे से जो भी फंड आ रहे हैं जी वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। जी। या फिर इस एरिया में कोई आता ही नहीं है। अच्छा, हो सकता है कि क्या आखिरी बार ऊषा देवी का आप लोग जिताएंगे? जी बिल्कुल जिताएंगे। मेरे सामने यहाँ पे माता जी है, इनसे हम परिचय जानना चाहेंगे। अपना नाम बताएं माता जी। मालती देवी। ऊषा देवी का आप लोग जिताएंगे? पूरा जिताएंगे। क्या ऊषा देवी जीतेगी तो आपको काम करेंगी? करिहान। अच्छा, मेरे सामने यहाँ पे एक महिला है, इनसे हम परिचय जाना चाहेंगे। अपना नाम बताएं चाची। बिंदा देवी। क्या आपकी ऊषा देवी का आप लोग जिताइएगा? चाचा अपना नाम बताएं। पानी समय से पहुँचा है घर का? क्या ऊषा देवी का आप लोग जिताएंगे? जिताएंगे। ये रोड अभी रोड पीसीसी नहीं हो, इसके बारे में क्या करना चाहते हैं? तो बनाएंगे, इसे जीतेंगी तो बनाएंगी।
यहाँ पे अभी मेरे सामने चाचा जी मौजूद है, अपना नाम बताएं चाचा। राम कुंवर राम। कुंवर राम, क्या आपका इंदिरा आवास मिल चुका है चाचा? मिल चुका है सर। मिल चुका है। नल जल का पानी घर घर पहुँचता है? समय से? समय से। हाँ। जी जी। ये रोड के कंडीशन बहुत खराब है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? रोड सर कितना लोग है, नाप कर ले गए, आज से कौन कर सुनवाई है ना भाई। जी जी। आपके वर्तमान मुखिया से आप लोग इससे चर्चा किए रोड के बारे में, क्या बोल रहे थे? गांव के नामे भुला जाना। अच्छा, नामे भुला जाते हैं। क्या आपकी उषा देवी का आप लोग जिताएंगे तो उषा देवी पूरा करेंगी? जी करेंगी। जी यहाँ पे पब्लिक पूरा भरोसा करे, उषा देवी यहाँ जीतेगी, यहाँ पब्लिक और जनता गरीब को काम करने का दिखाने का काम करेगी।